हर इंसान डिप्रेशन से अलग अलग तरीके से डील करते हैं, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है और आज मैं आपको वही टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ। टेक्निक स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि दीज टेक्निक्स आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर थेरेपी। अगर आपको डिप्रेशन एक्सपीरियंस हो रहा है देन डेफिनेटली रीच आउट फॉर हेल्प, एंड उसके साथ आप इन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ बिहेवियरल एक्टिवेशन। डिप्रेशन में अक्सर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, लोगों की एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हैविंग एटलीस्ट 2 to 3 एक्टिविटीज़ पर डे जिससे उन्हें एक मास्टरी फील हो या फिर अच्छा लगे जो कुछ करने को, वैसी एक्टिविटीज़ को डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना ज़रूरी है। मे बी यू कैन स्टार्ट विथ 2 or 3 एक्टिविटीज़ पर डे, उससे आपका मूड भी बहुत अच्छा होगा। एंड ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इट इज़ बैक्ड बाई रिसर्च। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया है कि बिहेवियरल एक्टिवेशन इज़ एज गुड एज एंटी डिप्रेसेंट और इवन बेटर देन दैट, एंड इट हैज़ बीन कम्पेयर्ड विथ थेरेपीज ऑल्सो। सो इट इज़ अ वेरी वेल एविडेंस प्रूफ्ड टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, एक्सेप्ट योर इमोशंस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, डिनाई नहीं, बट एक्सपीरियंस दैट या दिस इज़ ट्रू, आई एम गोइंग थ्रू सैडनेस, आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन। एंड जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं देन यू आर मोर लाइकली टू चेंज इट। थर्ड, जर्नलिंग। जर्नल योर थॉट्स एंड इमोशंस, एक डायरी में उसे लिखिए। अक्सर हम लोगों से जब बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। जर्नलिंग ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पस। आपका मन अच्छा होता है एंड यू गेट अ चैनल टू वेंटिलेट योर फीलिंग्स। फोर्थ पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। हमारी लाइफ में कई सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बट हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी पे ज़्यादा जाता है। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम उसी पे फोकस करेंगे, भले ही दिन में 6 अच्छी चीज़ें हुई हों। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्शियसली एक एफर्ट डालें टू लुक एट वॉट आर द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन आर लाइफ। यू कैन डू ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग ऑल्सो, जहाँ पे आप मे बी बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन राइट अबाउट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। एंड देर हैज़ बीन लॉट ऑफ रिसर्च डन विच शोज दैट ग्रैटिट्यूड एंड वेलबींग आर वेरी वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी। सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, गेट योर बॉडी मोर एक्टिव, बट वाई? वेल, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गुड मूड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, विच कैन बी जूम्बा और डांसिंग और इवन वॉकिंग, उससे हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद गुड मूड। सो एंगेजिंग इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 2.5 आवर्स पर वीक कैन बी वेरी यूजफुल। कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, एक्सप्लोर योर पास्ट। अगर आप पहले भी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यू हैव हैड डिप्रेसिव एपिसोड्स या फिर बहुत लो मूड रहा है, आपने पास्ट में ऐसा क्या किया था विच हेल्प यू कम आउट ऑफ इट, तो आप उसके बारे में रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए, सो दैट यू नो यू कैन प्लान इट कि आगे अगर इस तरह का मूड होता है यू कैन यूज़ दोज टिप्स अगेन इन योर फ्यूचर। सेवेंथ पॉइंट, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर एज मच एज सेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो अच्छी नींद हो या फिर ईटिंग हेल्दी फूड, अ बैलेंस्ड डाइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर मूड। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्लीप, मैंने एक स्लीप हाइजीन पे भी वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। एथ पॉइंट, सोशलाइज। गो आउट, मीट फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स। वी आर सोशल बींग्स एंड वी नीड टू सोशलाइज टू फील हैप्पी, टू फील कनेक्टेड। नाइन्थ पॉइंट, ईटिंग हेल्दी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट हेल्दी सो दैट यू स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली। एंड देर आर सम फूड प्रोडक्ट्स विच हैव एंटी डिप्रेसेंट क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल डार्क चॉकलेट। तो अगर आप मिल्क चॉकलेट ले रहे हैं देन ट्राई टू रिप्लेस इट विद डार्क चॉकलेट। टेंथ पॉइंट, लाफ्टर। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। इससे आपकी एंडोर्फिन्स भी जनरेट होती है विच हेल्प्स यू फील गुड, एंड स्ट्रेस हार्मोन भी कम होता है। सो मे बी यू कैन वॉच समथिंग फनी, अ कॉमेडी सीरीज विच कैन हेल्प यू लिफ्ट योर मूड एंड मेक यू लाफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, योगा, मेडिटेशन, रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। नाउ देर इज़ वन थिंग जो मैंने इस पर कवर नहीं किया विच इज़ अ
वीडियो इन इट्सेल्फ अ कम्प्लीट वीडियो विच इज़ डीलिंग विथ नेगेटिव थाट्स. डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव थाट्स आते हैं जिसकी वजह से हम और लो फील करते हैं. सो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो. इफ़ यू लाइकड इट लेट मी नो विच टिप यू फाउंड यूजफुल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ.